वेलकम टू डॉल्फिन अप्लायंस। दोस्तों आप देख सकते हैं चलता फिरता आइसक्रीम पार्लर, कहीं पे भी रोड के ऊपर खड़े रह के आइसक्रीम का स्नो फ्लेक का बिजनेस कर सकते हो। बैटरी से चलने वाला स्नो फ्लेक्स मशीन, कहीं पे भी रोड एरिया के ऊपर आप लगा के रोजाना 8 से 10 हजार रुपए का प्रॉफिट कर सकते हो। 2023 का हाई प्रॉफिट हाई इनकम बिजनेस दोस्तों। कोई भी फ्लेवर का स्नो फ्लेक्स है, आइसक्रीम है, बना के आप कस्टमर को दे सकते हो, कस्टमर को खिला सकते हो। बनाने का खर्चा दोस्तों 5 से 6 रुपए में एक प्लेट पड़ेगा। बाजार में आसानी से 20, 25, 30, 40 रुपए में अलग अलग एरिया पे अलग अलग कस्टमर को आप दे सकते हो। पूरी मशीन बैटरी से चलने वाली है, कहीं पे भी इलेक्ट्रिक पावर का रिक्वायरमेंट नहीं है। एक बार चार्जिंग करने से आपको 8 से 10 घंटे तक पूरी मशीन ऑपरेट कर सकते हो, पूरी मशीन चला सकते हो। पूरी मशीन स्टेनलेस स्टील से बनाई गई है, हैवी क्वालिटी का स्टील यूज किया, बेहतरीन क्वालिटी का आप देख सकते हो। पाइप के ऊपर पूरा मशीन को क्रेट किया गया है, प्लस मशीन के अंदर नीचे की साइड इन्वर्टर और बैटरी का सेट डाला हुआ है, प्लस यहाँ पे छत्ता दिया गया है। आपके वहाँ पे कोई कस्टमर खाने आता है तो उसको धूप नहीं लगता है, यहाँ पे खड़े रह के आसानी से खा सकता है। कोई भी आप प्रोडक्ट बना के उसको दिया है, कोई भी फ्लेवर का स्नो फेक 5 सेकेंड के अंदर आप बना के कस्टमर को दे सकते हो। ये आप देख सकते हो मशीन की, मैं आपको लाइव डेमो दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे फिलहाल मशीन के अंदर हमने वाटर डाला हुआ है, इसलिए वाटर का स्नो निकल रहा है, एकदम रुई जैसा स्नो फ्लेक बन के निकल रहा है। देखिए दोस्तों एकदम रुई जैसा स्नो, थोड़ा जूम करके बताएं हमारे व्यूअर्स को, क्योंकि हमने फिलहाल इसमें पानी डाला हुआ है। इसमें आप देखिए ये पानी डाला हुआ है, पानी का एकदम हल्का स्नो है पूरा। आप देखिए पूरा रुई जैसा है, लो वेट है, एकदम लो वेट है। आप देखिए एकदम लो वेट का स्नो बन के इसमें निकल रहा है। इसमें अभी हम इसमें से पानी का बाउल निकाल लेंगे दोस्तों। आप देखिए ये पानी का बाउल हमने निकाल लिया इसके अंदर, इसका खाली अभी हम ट्यूब लगाएंगे ऊपर का। ये बाउल को खोल के खाली इसका ऊपर का ट्यूब लगाएंगे इसमें। आप देखिए कहीं पे भी रोड के ऊपर आप ये लगा सकते हो। ये मशीन के अंदर आपको नीचे दिए गए व्हील से, ये रोड के ऊपर चलने वाले व्हील है, खड्डा वेला विस्तार है वहां पे ये व्हील नहीं चल सकते, तो उसके लिए आपको बड़े हैवी व्हील्स लगाने हैं। तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसमें बड़े स्कूटर में जो ट्यूब टायर वाले व्हील्स आते हैं वो भी हम आपको लगा देंगे, अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो। फिलहाल दोस्तों आप देखिए इसमें वाटर का स्नो बन के निकल रहा है, अभी वाटर जितना पड़ा है उतना स्नो निकल के ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। उसके बाद कोई भी कस्टमर आपके पास लाइव टू लाइव खाने के लिए आता है तो आप कोई भी फ्लेवर उसको लाइव टू लाइव दे सकते हो। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे मिल्क का पैकेट पड़ा हुआ है, बोतल है, इसके अंदर फ्लेवरेड मिल्क है, केसर इलायची का मिल्क है, उसके बाद यहाँ पे कोकोनट वाटर है। कोई कस्टमर कोकोनट वाटर मांगता है कोकोनट वाटर दे सकते हो। कोई कस्टमर माजा का है, ऑरेंज पल्पी है, एप्पी फीज है, एनर्जी ड्रिंक स्टिंग है, कोई भी फ्लेवर का विद इन 5 सेकेंड के अंदर आप स्नो फ्लेक्स बना के कस्टमर को दे सकते हो दोस्तों। अभी हम आपको इसका एवरेज भी बताएंगे कि एक कप या आपको बनाने का खर्चा कितने का गिरेगा। सबसे पहले मैं आपको इसके अंदर से हम माजा का जो फ्लेवर है उसका स्नो फ्लेक बनाएंगे। आप देखिए वैसे आप हम खाली आपको एग्जांपल दे रहे हैं, आप कोई भी फ्लेवर का जैसे मालास कंपनी का ऐसा है फ्रूट क्रश है उसका भी बना के दे सकते हो। कोई भी मिल्क बेस है, कोल्ड कॉफी है, कोल्ड कोको है, नेचुरल जूस है, गन्ने का जूस है, मौसम्बी ऑरेंज का जूस है, दाड़म का जूस है, कोई भी प्रोडक्ट का आप जूस या कोई भी प्रोडक्ट बना के दे सकते हो। यहाँ पे हमने स्टोरेज लाइन भी दिया है, यहाँ पे आप उसको स्टोर भी कर सकते हो। अगर कोई मिल्की आइटम है दोस्तों, मिल्क का कोई आइटम खराब होने वाला आइटम है और दिन में खराब हो जाता है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे हमने जो आइस बनाया है दोस्तों, आप देखिए ये आइस बना के इसके अंदर टैंक में भर देना है आपको, वाटर का स्नो बना के टैंक में भर देना है आपको। जब देखिए उसके अंदर आपका जो भी मिल्क का आपने प्रोडक्ट लेके आए वो इसको आपको स्टोर कर देना है यहाँ पे। आप देखिए इसलिए आपका मिल्क का मटेरियल है वो खराब भी नहीं होगा, पूरा दिन अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके पास लाइव टू लाइव मशीन पड़ी हुई है स्नो बनाने वाली, इसलिए अलग से आपको फ्रीजिंग का डिफ्रीजर का कोई रिक्वायरमेंट रहेगा नहीं इसके अंदर। उसके बाद आप उसका इस तरह से ढक्कन भी क्रिएट करके, ढकना है तो ऐसे कवर भी कर सकते हो। आप देखिए ये अपना मिल्क का मटेरियल जब गिरा करता है, कस्टमर आता है यहाँ से मिल्क का बोतल लिया, स्नोफ्लेक बना के दे दिया। अगर खराब होने का आपको चांसेस लगता है, वैसे तो ये फ्लेवरेड मिल्क है, खराब नहीं होता है, बाहर भी आप इसको रख सकते हो 8 दिन 15 दिन 1 महीना, क्योंकि इसका 3 महीने तक का वैलिडिटी रहता है, खराब नहीं होता है। लेकिन आपने कोई होममेड रेसिपी बनाया है तो आप उसको होममेड रेसिपी को यहाँ पे आइस डाल के इसको क्रिएट करके स्टोर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों टाइम को गवाए बिना सबसे पहले माजा का जो बोतल हमारे पास पड़ा हुआ है, इसकी एमआरपी रेट अराउंडली 20 रुपीज है, 20 रुपए का माजा का बोतल है।
₹20 का माजा का बोतल का हम क्वांटिटी लेंगे, तकरीबन क्वांटिटी भी देखना हम कितना क्वांटिटी उठा रहे हैं इसमें से, तकरीबन 40 ml जितना लिया आप देखिए, तकरीबन 3 से 4 रुपए का मटेरियल उठा लिया हमने माजा का। अभी इसके अंदर से कितना स्नोफ्लेक बन के निकल रहा है आपके सामने लाइव दिखाएंगे दोस्तों, क्योंकि वाटर तो खत्म हो गया, अभी हम इसमें माजा का ड्रिंक डाला है और कितने समय के अंदर बन के निकल रहा है दोस्तों, अब देखिए कितने समय में डालने के बाद कितना टाइमिंग लेता है स्नोफ्लेक्स बना के निकालने में। आप देखिए जब तक माजा का फ्लेवर पड़ा है तब तक निकलेगा, उसके बाद निकलना बंद हो जाएगा दोस्तों। आप देखिए ये 40 ml में हमारा माजा का फ्लेवर ओके रेडी हो गया। अब देखिए ये 00 मटेरियल हो चुका है, पूरा मटेरियल बन के रेडी हो चुका है। 3 से 4 रुपए का माजा का फ्लेवर लिया, उसमें से हमारे को कितना स्नो फ्लेक बन के निकला है आप देखिए। आप इस खुद ही सोच सकते हो कि आप कितने का बाजार में सेल कर सकते हो। मेरे हिसाब से तो मिनिमम आप 10 से 12 तो आसानी से ये प्रोडक्ट का ले सकते हो। ऊपर से कोई ट्विंकल या डेकोरेशन करना है तो इसे आप ट्विंकल से ऐसा कलर से ऐसे डेकोरेशन करना है आपको तो ऊपर से आप डेकोरेशन करके भी कस्टमर को दे सकते हो। आप देखिए जो भी आपको कलर का डेकोरेशन करना है वो हिसाब से यहाँ पे हमने ट्विंकल्स रखा है, आप भी ऐसे रख के 20, 25 या 30 रुपए में ऐसा डेकोरेशन वाला डिश भी बना के दे सकते हो दोस्तों। डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट का सॉफ्ट ड्रिंक है, मैंगो माजा है, कोई भी फ्लेवर का आप लाइव टू लाइव स्नोफ्लेक बना के निकाल के दे सकते हो दोस्तों। ट्रांसप्लांट ग्लास ले रहे हम थोड़ा, इसमें आपको अलग अलग कलर का निकाल के देना है तो सबसे पहले हम यहाँ से लेंगे ब्लू स्टिंग लेंगे। आप देखिए एनर्जी ड्रिंक है स्टिंग करके, इसका हम फ्लेवर डालेंगे इसमें। एनर्जी ड्रिंक का स्टिंग डाला हमने इसमें, आप देखिए उसके बाद हम थोड़ा अलग कलर का फ्लेवर डालेंगे माजा का। दो अलग अलग वेरायटी, तीन अलग अलग वेरायटी कंबाइन करके आपको देना है कस्टमर को तो आप लाइव टू लाइव दे सकते हो चीज। ये कलर चेंज हो गया दोस्तों, आप देखिए सेकेंड कलर हो गया है, ऊपर से आप देख सकते हैं कलर इसका। येलो एंड ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन हो गया, देखिए दोस्तों दो कलर का प्रोडक्ट आपका तैयार हो चुका है। कोई भी कस्टम कर कैसा भी वैरायटी मांगते हो खड़े खड़े लाइव टू लाइव आप इंस्टेंट बना के दे सकते हो अपने कस्टमर को। एप्पी फिश का फ्लेवर है तो हम यहाँ पे एप्पी फिश का फ्लेवर निकालेंगे दोस्तों, आप देखिए। और इसका आपको प्रोडक्शन एकदम ये पूरा छोल बन के निकल रहा है, इसका क्वालिटी आपको अप डाउन करना है तो यहाँ से आप वेरिएशन करके स्पीड का कंट्रोलिंग करके वेरिएशन भी कर सकते हो। स्लो स्पीड रखेंगे तो इसका दाना बड़ा बनेगा इसमें दोस्तों। इसका जो ये सॉफ्ट ड्रिंक डाल रहे हैं इसमें आप देखिए, गैस वाला फ्लेवर है, नॉन कार्बोनेटेड नहीं है, गैस वाला फ्लेवर है। अभी इसका हमने रोलर का स्पीड को कम कर दिया दोस्तों, आप देखिए इसलिए इसके दाने का क्वालिटी आप देखिए कैसा दाना बन रहा है इसके अंदर। ये दाने की शायद बड़ी हो गई है दोस्तों, आप देखिए पहले एकदम रुई जैसा छोल बन के निकल रहा था उसके मुकाबले में अभी इसका दाना जो स्नो का है वो बड़ा स्नो हो गया, आप देखिए। जैसा आपका रिक्वायरमेंट है वो हिसाब से इसका स्पीड मैनेजमेंट है, स्पीड कंट्रोलर है, सब आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो दोस्तों। आप देखिए ये दाना इसका बढ़ा रहा है, देखिए दोस्तों ये देखिए पहले एकदम रुई जैसा दाना आ रहा था, अभी ये दाने का वैरायटी बड़ा हो चुका है, इसका पीसीस के हिसाब से गिर रहा है दाना। आप देखिए जितना मटेरियल ठीक होगा, जितना मटेरियल झाड़ा होगा उसका दाना उतना बड़ा बनेगा दोस्तों। ये सब अभी हम आपको बना रहे हैं वो वाटर बेस्ड फ्लेवर बना के दिखा रहे हैं, मिल्क बेस्ड या कोई भी वेनिला का फ्लेवर बनाया हुआ मटेरियल है तो कोई भी फ्लेवर ऐसा बनाएंगे तो उसका दाना बड़ा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अभी हम आपको इसमें से दोस्तों मिल्क बेस बना के दिखाएंगे, फ्लेवर को पूरा खत्म कर देंगे, जितना फ्लेवर पड़ा है उसका 00 हो चुका है ऑलरेडी। अभी हमने यहाँ पे आइस में जो मिल्क का मटेरियल डाला हुआ है यहाँ पे आप देखिए, ये केसर पिस्ता का मिल्क का फ्लेवर है, ये भी अराउंडली 20 रुपीज का बोतल है हमारे पास पड़ा हुआ है, इसका प्राइस अराउंडली 20 रुपया है तकरीबन, माही कंपनी का फ्लेवर से यहाँ पे लिखा हुआ है इसका प्राइस।
ओनली 25 रुपीज है, 25 रुपया कीमत है इसका। अभी हम इसमें मिल्क बेस्ड मटेरियल डालेंगे, आप देखिए सीधा लाइव टू लाइव डाल देना है, हमने कोई इसको वॉश नहीं किया क्योंकि डिफरेंट 0-0 लेवल है अपना, जितना माल डाला उतना 0-0 सर्विंग करके अपने को निकाल के देती है मशीन। ये आप देखिए रोलर में केसर पिस्ता का मिल्क बन के आ रहा है इसमें, आप देखिए, आप देखिए अभी इसका पीसेस बड़ा हो गया क्योंकि हमने डाला है मिल्क बेस्ड फ्लेवर इसमें, वाटर बेस्ड फ्लेवर नहीं है। जितना थिक मटेरियल रहेगा इसका क्वालिटी उतना फ्लैप में बनेगा। ये देखो अभी फ्लैप बनना चालू हो गया है इसमें, पीसीस बन रहा है, पट्टी बन रही है, देख यहाँ पे इससे भी अगर थोड़ा थिक मटेरियल लेंगे तो पूरी फ्लैप बना के देगी, कोई भी चॉकलेट का फ्लेवर या कोई भी ऐसा फ्लेवर आप बना रहे हो तो पूरी फ्लैप बना के देगी। आप देखिए अब देखिए ये भी हमने 40 से 50 ml मटेरियल डाला था, उसमें से कितना मटेरियल बन के निकल रहा है हमारा, आप देखिए छोटा पीस बनाना है, स्पीड बढ़ा देंगे छोटा पीस बनेगा, आप देखिए एकदम छोटा पतला बन रहा है, देखिए क्योंकि हमने स्पीड बढ़ा दिया इसका। जो हिसाब से आपको क्रेटिंग, जो हिसाब से वेराइटीज बना के अपने कस्टमर को देनी है, कस्टमर को खिलानी है, वो हिसाब से इसके अंदर आप वेराइटीज खिला के कस्टमर को दे सकते हो लाइव टू लाइव। दोस्तों इसके ऊपर कोई भी आपको डेकोरेशन करना है तो इसके ऊपर भी आप ऐसे डेकोरेशन कर सकते हो। अब देखिए ऐसे डेकोरेशन अलग अलग कलर्स का ट्विंकल करना है। 5 से 6 रुपए का अंदर मिल्क बेस मटेरियल बना सकते हो, वाटर बेस है वो 3 से 4 रुपए तक बना सकते हो, और बाजार में आसानी से दोस्तों 20-25-30-40 रुपए तक रोड एरिया के ऊपर खड़े रह के बिजनेस कर सकते हो दोस्तों। अब देखिए और पूरी मशीन बैटरी पे चलने वाली है दोस्तों, इसके अंदर कोई दुकान शॉप का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑलरेडी 2 बैटरी और 1 इन्वर्टर का सेट हमने लगा दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने पावर का लाइन दिया है, यहाँ पे मशीन का मेन पावर का लाइन है और यहाँ पे आप बैटरी को चार्जिंग कर सकते हो। ये कनेक्टर है, जब बैटरी खत्म होता है घर पे इसको चार्ज करना है आपको, ये लगा के इसमें मेन पावर देके बैटरी को चार्ज कर सकते हो। और यहाँ पे छत्ता है, अगर रात को धूप चली जाती है तो आप छत्ते को भी निकाल सकते हो, पूरा फोल्डिंग है दोस्तों। अब देखिए ये पूरा छत्ता फोल्ड हो गया है, इसको रखना है निकालना है, कैसा आपका मार्केट है, कैसा का वहाँ धूप का है, वो हिसाब से आप इसको क्रेटिंग अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हो दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों आपको खाली मशीन चाहिए तो खाली मशीन भी मिल जाएगी, पूरी कार्ट चाहिए तो पूरी कार्ट चाहिएगी, बैटरी इन्वर्टर साथ में चाहिए तो भी मिल जाएगी। अगर आप बैटरी इन्वर्टर वहाँ से अपने शहर से लेना चाहते हो तो वहाँ से भी ले सकते हो, जैसा आपको बेटर फील हो वो चीज़ आप कर सकते हो, हर एक चीज़ मॉडिफाई करके देते। इसके अंदर आपको बड़ी मशीन भी चाहिए तो डॉल्फिन अप्लायंस कंपनी के पास बड़ी मशीन भी अवेलेबल है। ये मशीन छोटी है, इसकी 24 घंटे के अंदर 60 से 70 किलो की कैपेसिटी है, इससे बड़ी मशीन है उसकी कैपेसिटी 24 घंटे में 250 किलो की है, उससे भी बड़ी एक मशीन है उसकी कैपेसिटी डेली 24 घंटे में 350 से 400 किलो की है। तो ज़्यादा डिटेल्स, ज़्यादा जानकारी के लिए प्राइस डिटेल डिस्काउंट ऑफर क्या है, हर एक जानकारी के लिए दोस्तों दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करके हर एक डिटेल जानकारी फंक्शन ले सकते हो। दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो को एक बार लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पेज को फॉलो कीजिए दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग डॉल्फिन अप्लायंस।